सबका इंग्लिश स्टडी 98 की यूट्यूब चैनल में आज हम लोग क्वेश्चन टेक का कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। मात्र 21 क्वेश्चन, सिर्फ 21 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के माध्यम से पूरे क्वेश्चन टेक का जितने भी कॉन्सेप्ट है सबका सब इतने ही क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन अब अगर आपको एग्जाम में कहीं मिला तब हमको आप बोलिएगा, ठीक है। बस इतना चीज, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बस इतना ही क्वेश्चन में मैंने रख दिया है, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे क्या है, कैसे टैग बनेगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि दो क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन टैग का, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है डिटेल में मैंने बताया है और आज उसी का कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट उसको देख लिए हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टैग क्या होता है। टैग सिर्फ वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। टैग क्या होता है, वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर दो चीज कंडीशन में आता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव में बनाएंगे, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो टैग अफर्मेटिव में बनाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। कुछ करना है बताओ, आप बनाओ क्या होगा। अगर आप वीडियो देखे हो तो आप सही करके देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बनेगा टैग क्या बनेगा, ठीक है। बी केयरफुल मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर ऑर्डर की बात किया जाए, रिक्वेस्ट की बात किया जाए, एडवाइस की बात किया जाएगा, ठीक है। प्लीज या काइंडली से क्वेश्चन मिलता है तो वहां पे दो चीज का इस्तेमाल किया था, विल यू चाहे वॉन्ट यू, विल यू चाहे वॉन्ट यू, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वॉन्ट यू, क्या इस्तेमाल करिएगा वॉन्ट यू, ठीक है। विल यू चाहे वॉन्ट यू, विल यू चाहे वॉन्ट यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लास देख लिए हो तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सही करिएगा, ना ही तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आप वो क्लास जरूर देखना, ठीक है। विल यू चाहे वॉन्ट यू क्यों हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस की बात हो, किसी चीज की बात किया जाएगा तो विल यू चाहे वॉन्ट यू का इस्तेमाल किया जाएगा। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि उसी में इंपरेटिव सेंटेंस में अगर डांट फटकार की बात आता है तो कांट यू का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कांट यू, ठीक है। आगे देखिए, नन ऑफ अस, मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद ऑफ आए, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, यहाँ पे ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद ऑफ आए, ठीक है। ऑफ के बाद अगर अस आ रहा है तो अस के अनुसार सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, बी बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। अच्छा वाक क्या है, सबसे पहले वाक क्या है, वाक निगेटिव है, क्यों, नन, नन निगेटिव वर्ड है। मैंने बताया था कि निगेटिव का कंडीशन भी मैंने सिखाया था आपको कि कौन कौन सा निगेटिव होता है, निगेटिव वर्ड पहचाने का तरीका भी बताया था, कौन कौन सा वर्ड की वर्ड के थ्रू आपको बताया था, नो होता है, नन होता है, नाइदर होता है, ठीक है, नो वर्ड होता है, नथिंग होता है, उसी में कुछ स्पेशल केस, सेल्डम हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, ऑफ्टन हो गया, ये सब वर्ड निगेटिव वर्ड है, ठीक है, हार्डली हो गया, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ निगेटिव वर्ड है इसलिए इधर टैग बनेगा अफर्मेटिव में, टैग बनेगा अफर्मेटिव में। वर्ब क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट से टैग बनता है, वर्ब है हैव, ठीक है। टैग क्या बनेगा, हैव यू, हैव वी, बी क्यों बनेगा, बी इसलिए हुआ क्योंकि अस रहेगा तो बी लिखना है। यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यू है तो यू, टैग क्या बनेगा, यू, अगर देम होता तो टैग क्या बनता, दे बनता। तीन कंडीशन में बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद ऑफ आएगा तो टैग तीन तरीका से बताया था, अगर अस रहेगा तो बी बनेगा, यू रहेगा तो यू बनेगा, और देम रहेगा तो सब्जेक्ट दे बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ब इज लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब इज लिखा हुआ तो क्या इज लिखेंगे, इज यू या इजंट यू। अच्छा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन अफर्मेटिव है, वाक अफर्मेटिव है, इसलिए टैग बनेगा निगेटिव है, लेकिन यू यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल है इसलिए यहाँ पे बनेगा aren't, यू के अनुसार क्या बनेगा, isn't, यहाँ पे तो वर्ब इज है, isn't यू बना देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सीखना है आपको, ठीक है। इज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ अगर सब्जेक्ट यू आ रहा है तो यू के अनुसार यहाँ पे टैग बनेगा, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार टैग बनता है, तो यू के साथ टैग लगेगा तो यहाँ पे आर लगेगा, और निगेटिव बन रहा है क्यों, क्योंकि इधर बात अफर्मेटिव है, aren't यू, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया दो वीडियो में, ठीक है। द फार्मर्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फार्मर्स नाउन है जो कि प्लुरल है, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट लिखा हुआ, नोट निगेटिव मतलब निगेटिव, इधर अफर्मेटिव बनेगा, चुन लो वर्ब, आर लगेगा, सब्जेक्ट फार्मर्स, किसी भी प्लुरल नाउन के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लुरल नाउन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस से दैट प्लेस क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे,
देज या दोज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, देज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दे। और देयर क्वेश्चन में रहेगा तो देयर ही लिखेंगे, वन रहेगा तो वन ही लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, फ्यू डॉक्टर्स विल कम। चलिए देखिए विल यहाँ पे भर्ब है, ठीक है, फ्यू डॉक्टर्स, फ्यू डॉक्टर्स, फ्यू निगेटिव वर्ड मैंने बताया था, याद है आपको, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, अभी जस्ट बताया, इसके पहले थोड़ा सा बताया फ्यू लिटिल, ठीक है, भी निगेटिव वर्ड है, तो ये निगेटिव वर्ड है तो टैग क्या निगेटिव बनेगा, नहीं यही चीज सीखना है आपको, यही क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन गलती कर दोगे, इतना सिंपल है फिर भी गलती करोगे तो भाई क्या हो सकता है, बताओ। विल का विल उतारो, ठीक है, विल का विल, डॉक्टर्स प्लुरल है इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, दे, विल दे, बताओ किसी को दिक्कत, दिक्कत है, कितना फटाफट बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। अगर आप क्लास देख लियो मात्र दो वीडियो में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सही होगा, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है, फिर भी ये इतना सही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। शब्द बिंदु बनना, ये क्या बनेगा, शब्द बिंदु क्या बनेगा, ऑर्डर की बात किया गया, दरवाजा बंद करो, शब्द बिंदु ऑर्डर की बात किया गया, वॉन्ट टू हम बताए थे, क्या बताए थे, वॉन्ट टू, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में वॉन्ट टू या बिलीव, बिलीव भी लगा सकते हो। अच्छा निगेटिव में जब इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ बिलीव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिर्फ बिलीव, यहाँ वॉन्ट टू नहीं करेंगे, यहाँ वॉन्ट टू बिलीव दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे वॉन्ट टू नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव है, जब निगेटिव दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में बनेंगे, सिर्फ बिलीव, क्यों, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टेक क्या बनता है, बिलीव चाहे वॉन्ट यू, यहाँ निगेटिव है इसलिए सिर्फ बिलीव बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे स्टैंड अप, मैंने फिर से बताया था कि जहां पर डांट या फटकार की बात किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे कांट यू का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंड अप है ना, स्टैंड अप बोल रहा है उस पर, मतलब किसी को डांटते हो ना ज्यादा मत बोल, बोलते हो ना माइंड योर लैंग्वेज, बोलते हो ना माइंड योर लैंग्वेज, तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कांट यू, कांट यू, कांट यू, ये चीज याद रखिएगा, अगर जहां पे इंपरेटिव सेंटेंस में डांट या फटकार की बात किया जाता है तो कांट यू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए ये कंडीशन मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको सीख लेना है, डी नीड योर डेयर का यूज, जो मॉडल वर्ब है इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है, अगर मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसके टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे टाइम में, अगर मेन वर्ब के रूप, लेकिन यहाँ पे देखो नीड नॉट, नीड नॉट, नीड नॉट निगेटिव वर्ड है, इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, अफर्मेटिव सीधा सीधा नीड का, नीड उतर जाएगा और आई का क्या बनेगा, आई बन जाएगा, ठीक है, खत्म। निगेटिव मार्क है बनेगा नीड आई, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ो। डेयर नॉट फिर से निगेटिव है, सीधा सीधा डेयर उतार दीजिए, ठीक है, ही उतार दीजिए, डेयर ही, खत्म। आगे देखिए मोदी विजिट्स जापान, विजिट्स वी फाइव है, क्या चाहिए, वी फाइव, पता किसे चलेगा, भारत का पांचवा रूप है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह से टाइम बनेगा, डोंट या डजंट, यहां पे वी फाइव है इसलिए क्या बनेगा, डजंट, क्या बनेगा, डजंट। नाम के लिए, कोई भी नाम के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मोदी का मोदी नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, मोदी की जगह पे ही लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिडंट का इस्तेमाल करना, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए नो वन नोज, यहां फिर से वी फाइव, फिर से वी फाइव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहली बात में बताऊं ये नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, क्यों, नो वन, नो वन नेगेटिव वर्ड होता है, इसका टैग बनेगा अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में हम कौन सा वर्ब रहेगा, यहां पे ये दिक्कत हो जाता है, स्टूडेंट को दिमाग खत्म गायब हो जाता है, क्या क्या करें, अरे भैया वी फाइव एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज होता है, डज लगा दो, क्या दिक्कत है, नेगेटिव रहता तो नेगेटिव बनाते, लेकिन यहां से ऑलरेडी नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, तो अफर्मेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डोंट या डजंट, तो नेगेटिव नहीं में बनाना है, अफर्मेटिव में बनाना है, डज लिखेंगे, यहां भी फाइव, यहां भी वी फाइव, डज, और क्या लिखेंगे, नो वन, नो वन, मैंने बताया था वन से इंड हो चाहे बॉडी से इंड हो, आठ सब्जेक्ट मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए बोल रहा कि वीडियो बार बार बोल रहा कि वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, नो वन या बॉडी से अंत होगा तो उसके लिए सब्जेक्ट दे का इस्तेमाल करें, क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, दे का इस्तेमाल करें। अब भैया बात आता है, अगर यहाँ पे दे आया है तो क्या दे के अनुसार डज सही है, नहीं बिल्कुल नहीं, दे के अनुसार यहाँ पे डू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डू दे, ठीक है, नो वन नोज दिस, डू दे, क्या होगा, डू दे, क्यों,
क्योंकि अफर्मेटिव में बना रहे, क्योंकि निगेटिव है हमको बनाना अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव यहाँ पे सबसे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, क्यों, वन से इंग्लिश या बॉडी से इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट दे होता है, तो टैग यहाँ पे क्या लगेगा, भर सिर्फ डू लगेगा, ठीक है। लेटर, मैंने लेट से बताया था कि लेट के अस रहेगा तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सेल भी होगा, उसका टैग क्या बनेगा, सेल भी, लेकिन लेट के बाद कोई नाम हो चाहे थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन कोई भी आएगा, लेट के बाद इसे हार आ गया, हिम आ गया, ठीक है, यू आ गया, देव आ गया, कोई भी आ गया, ये नाम कोई आ जाता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विल यू का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, विल यू, खत्म, कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा चुका हूं, ठीक है। दिस का क्वेश्चन टैग के रूप में सब्जेक्ट इट बनता है, इज का एक नेगेटिव क्या बनेगा, इजंट इट, खत्म, इजंट इट, दिस दैट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा, दिस दैट का सब्जेक्ट इट, देज दोज का दे, देज दोज का दे, ठीक है, देयर का सब्जेक्ट देयर ही बनता है, वाक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, इजंट, इजंट देयर, इजंट देयर, कोई दिक्कत, नेगेटिव से क्या बनेगा, इजंट देयर। आगे देखिए, यूज्ड टू, ये वी टू का इस्तेमाल होता है, ये वी टू के रूप में यूज होता है, लेकिन इसका अगर इसका आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो दो तरीका से बनेगा, ठीक है, नेगेटिव बनाओगे इसका क्या चीज, अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, यूजंट, यूजंट ही या डिडंट, डिडंट ही, दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं, यूज्ड में नोट लगा देते यूजंट ही बनेगा या डिडंट ही बनेगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट वी टू को शो करता है, तो वी टू डिड होता है ना, वी टू डिड होता है, तो नेगेटिव में डिडंट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये अफर्मेटिव में रहेगा तो डिड ही हो जाएगा, आई यूज ही हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा, मतलब यूज्ड, सिर्फ यूज्ड ही या अफर्मेटिव में, और क्या बनेंगे, डिड ही, क्या बनेगा, डिड ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा, यूज्ड का दो तरीका से बनता है, यूजंट से भी बनेगा और डिडंट से भी बनेगा, क्योंकि डिड भी टू है, यूज्ड भी टू है, ठीक है ना। आगे, एवरीथिंग, थिंग से अंत वाला क्वेश्चन टैग हम बताए थे आपको, थिंग से अंत वाले कॉन्सेप्ट क्या, जिसके अंत में थिंग रहेगा उसका सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है, क्या होता है, इट होता है, सब्जेक्ट तो इट लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले क्या, अफर्मेटिव है, नेगेटिव में बनेगा, तो इजंट, क्या बनेगा, इजंट, क्वेश्चन मार्क, खत्म। आगे, नोबडी हैज, बड़ी से थोड़ा, फिर से बड़ी से थोड़ा, हैज का, अच्छा नेगेटिव बढ़ेगा कि अफर्मेटिव उधर बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है तो बनेगा टैग अफर्मेटिव में, सिर्फ हैज का हैज डाल दीजिएगा। अब बॉडी का सब्जेक्ट क्या होता है, देव होता है, क्या होता है, देव होता है, तो क्या ये सही बना, यहां से भर उतार दिए हैज, इसका सब्जेक्ट बनता है देव, थिंक के लिए इट, बॉडी या वन सेंट होगा तो देव, तो क्या ये सही बना, नहीं बिल्कुल सही बना, यहाँ पे हैज नहीं हैव होगा, क्यों, सब्जेक्ट देव है तो हैव ना होगा, सब्जेक्ट देव तो क्या होगा, हैव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, ही नीड्स, यहाँ पे देखिए नीड्स यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, नीड्स मेन वर्ब V5 का काम कर रहा है, ठीक है, V5 का काम कर रहा है, इसका टैग बनेगा नेगेटिव में, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, नीड्स यहाँ पे बताया था नेगेटिव में है, था तो पॉजिटिव में बनाया, नेगेटिव था पॉजिटिव में बनाया, यहाँ देखिए V5 आप ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ, इसका नेगेटिव में क्या बनेगा, डजंट, क्या बनेगा, डजंट, क्यों, टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखना टेंस के अकॉर्डिंग V5, तो इसका नेगेटिव में V5 क्या टेंस बनेगा, डजंट बनता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही का ही, तो नहीं कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, देयर डियर गो, देयर सबसे पहले नेगेटिव है, नहीं तो नेगेटिव में बनाएंगे, डेयर गो इन द हंटेड, ही डेयर गो इन द हंटेड हाउस, तो इसका टैग क्या बनेगा, डेयर माने V1 का इस्तेमाल किया गया, V1 मेन वर्ब में V1 है, तो टैग नेगेटिव बनेगा, तो डू का नेगेटिव क्या होगा, डोंट होगा, डू का नेगेटिव डोंट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का दे उतार देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ किसी को दिक्कत हुआ, तो देखिए ये मात्र इतना क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले सकते हो, ठीक है, तो बस इतना सा क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग का कंप्लीट सेशन, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं आया, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में, और क्या हो सकते हो, ठीक है, तो चलिए आज के लिए तैयार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर, ठीक है।